नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज का टाइम है मोबाइल फोन्स का, एंड्रॉयड फोन्स का, महंगे महंगे फोन्स। दोस्तों आजकल ये ट्रेंड होते जा रहे हैं और सभी लोगों के पास एक या दो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, महंगे फ़ोन होते हैं। आप में से भी कई लोगों के पास एक एक दो दो फ़ोन होंगे और काफ़ी वो कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको ठीक करवाने का खर्चा भी कितना ज़्यादा होता है? जी हाँ, आप जानते होंगे। दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी इसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी फीचर्स होते हैं, लेकिन अगर इनमें कुछ खराबी आ जाती है तो मार्केट में उतना ही में खर्चा लग जाता है उन्हें ठीक करवाने के लिए। तो दोस्तों कैसा हो कि अगर हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो फ़ोन ठीक करने की, जैसे कि आपका मान लीजिए स्क्रीन का ग्लास टूट गया है, या कुछ आपको माइक की प्रॉब्लम हो गई है, या चिप की प्रॉब्लम हो गई है, या ऐसी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसके लिए हमें आए दिन मोबाइल स्टोर्स में चक्कर काटने पड़ते हैं अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए। तो बस इसी को मैंने देखते हुए आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको एक ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आप घर बैठे अपने फ़ोन की जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं वो अपने घर पर ही रहकर ठीक कर पाएंगे, और कहिए तो आप दूसरों के फ़ोनों को भी काफ़ी हद तक ठीक कर देंगे, सब लोग आपको जीने समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वो क्या तरीका है। देखिए, मैंने प्ले स्टोर में बहुत तरह की एप्लीकेशन थी, मैंने सभी एप्लीकेशन को देखा, उनको रिव्यू किया और मैंने आपके लिए दो एप्लीकेशन चुनी है। उन एप्लीकेशन की अगर आप मदद करेंगे या मदद लेंगे तो उन एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही अच्छी तरह से फ़ोन को रिपेयर करना सीख जाएंगे, या कहें कि जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आपके स्पीकर फ़ोन, स्क्रीन टच, या आपके सिम या चिप या नेटवर्क, या बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होती है जिसके लिए आप हमेशा मोबाइल स्टोर या रिपेयरिंग सेंटर में आप चक्कर काटते थे और पैसा खर्च करते थे, काफ़ी हद तक आप अपने पैसे को बचा पाएंगे और अपने घर पर अपना फ़ोन और अपने परिवार वालों के फ़ोन को भी ठीक कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी दो एप्लीकेशन है। देखिए, सबसे पहले ये एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले आप इन एप्लीकेशन के बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिलेंगी, लेकिन सभी एप्लीकेशन काम की नहीं होती, तो मैं यहाँ से ढूंढ के आपके लिए दो एप्लीकेशन लाया हूँ, वो बहुत ही काम की एप्लीकेशन है, जिसमें से ये एक पहली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा, इस एप्लीकेशन में आपको मोबाइल रिपेयरिंग गाइड मिलेगी, यानी कि मोबाइल्स के टूल, मोबाइल में क्या क्या रिपेयरिंग टूल्स होते हैं, फ़ोन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो ख़राब है या नहीं, मोबाइल की बैटरी के बारे में और मल्टीमीटर के यूज़, ठीक है, और आपको उस पर डायग्राम वगैरह, आपको जो भी, देखिए छोटी छोटी जो भी फ़ोन की जो दिक्कतें होती है उन सब के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये तो ही पहली बात। देखिए जैसे कि इसमें आप, मैं आपको एक दो चीज़ इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम हाउ टू चेक मोबाइल बैटरीज, ठीक है, मोबाइल बैटरी की दिक्कत बहुत ही आम है। जब नया फ़ोन ले लेते हैं और बहुत सारे हम फ़ोन में यूज़ करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे सबसे पहले जो फ़ोन में दिक्कत आती है वो मोबाइल की बैटरी की ही आती है। चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, हाउ टू चेक मोबाइल बैटरीज। तो देखिए इसमें आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे कि आप किस तरह से बैटरी चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप उस पर शॉक दे सकते हैं बैटरी को ऑन करने का। इसमें मतलब आप अपनी खुद की जो फ़ोन की बैटरी है उसको आप चेक भी कर पाएंगे, उसे ठीक भी कर पाएंगे अगर वो ठीक होने की हालत में होगी तो। इसमें आपको हर तरह से समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये देखिए डिस्प्ले प्रॉब्लम है, यहाँ पर कीपैड प्रॉब्लम है, ठीक है, और देखिए जब फ़ोन पानी भी गिर जाता है तो उसको किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें ये तो हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शॉर्टिंग, नेटवर्क का फॉल्ट जो कई बार आ जाता है, सिम कार्ड का फॉल्ट, तो इसमें हर एक चीज़ आपको बेसिक तरीके से इसमें समझाई गई है कि वो सिम कार्ड का फॉल्ट जो कई बार आता है कि सिम कार्ड नॉट एक्टिवेटेड या सिम कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या चीज़ होती है और उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक गाइड, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन से तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आप इसके नोट्स बना के लिख सकते हैं, इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की। तो यहाँ से तो इस एप्लीकेशन से तो आपने जानकारी ले ली कि मोबाइल के अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें होती है, किस तरह से हम उन्हें रिपेयर कर सकते हैं या करना चाहिए और उसकी देख रेख कैसे करें। अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन। तो दूसरी एप्लीकेशन में दोबारा ओपन करा है ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन में क्या था, आपको नोट्स दिए गए थे, जैसे कि हम क्लास लेते हैं, हम कोचिंग क्लासेस लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पहले हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, सिखाया जाता है कि क्या चीज़ किस काम आती है, और उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया, पहली एप्लीकेशन में आपको पूरी थ्योरी समझाई जाएगी, उसमें आप सारी चीज़ समझ सकते हैं, और दूसरी चीज़ में यहाँ पर देखिए जब ये एप्लीकेशन आप ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई अगर लैंग्वेज है आपकी तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप वीडियो बाय वीडियो, यहाँ पर आपको वीडियो के द्वारा सारी चीज़ें
वो समझाई जाएगी कि किस तरह से आप अपने फ़ोन की जो प्रॉब्लम है उन्हें फिक्स कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पहले ऑप्शन में क्या है, ये हाउ टू फिक्स नो सिम कार्ड, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पिछली एप्लीकेशन में वो एक दिखाया था कि सिम कार्ड जब सपोर्ट नहीं करता तो उसको कैसे ठीक करें, तो वहाँ पे आपको थ्योरी दिखाई गई थी। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल से भी समझ सकते हैं कि अगर सिम कार्ड की कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको पूरा तरीका दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से उसे ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, नीचे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बैटरी कंपोनेंट, जो बैटरी कनेक्टर होता है, आपने भी देखा होगा अपना फ़ोन कभी भी आप ओपन करते हैं तो बैटरी जहाँ हम लगाते हैं वहाँ पर इस तरह का ही छोटा सा कनेक्टर होता है जिसमें 3 पिन होती है, ठीक है। तो इन 3 जो कनेक्टर होता है कई बार ये ख़राब हो जाते हैं, हम दुकान पे जाते हैं और उसके लिए हमें बहुत पैसे मांगते हैं दुकान वाले, और हमें क्योंकि पता नहीं होता तो हम उसके पैसे भी दे देते हैं। तो यहाँ पर आप आराम से समझ जाएंगे कि इस बैटरी कनेक्टर जो आपके ये होते हैं इसे आप किस तरह से अपने फ़ोन में ठीक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी इसमें डाटा भरा हुआ है, बहुत इसमें जानकारी है। आपको फ़ोन में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, आप यहाँ पर आप जाइए देखिए और सारी आसानी से आप अपने फ़ोन को ठीक करना, टेस्ट करना, चाहे वो स्क्रीन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सिम से रिलेटेड हो, चाहे चिप से रिलेटेड हो, चाहे आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, चाहे आपकी टच स्क्रीन ख़राब हो गई है या पानी में गिर गया है, तो आप किसी दूसरे के फ़ोन में भी इन एप्लीकेशन को देख सकते हैं और किस तरह से आप उसे चेक करेंगे, साफ़ करेंगे, किस तरह से आप उनको ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइड दी गई है। तो दोस्तों ये 2 एप्लीकेशन मैं आपके लिए प्ले स्टोर से ढूंढ के लाया, जिसमें आपको थ्योरी और दूसरे एप्लीकेशन में आपको प्रैक्टिकल, यानी कि दोनों तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है जो आपके फ़ोन में ख़राब हो गई है, किस तरह से उसे ठीक करना है और रिपेयर करना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।